हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम मजेस्टिक होम से। मजेस्टिक होम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं फ्लैट लेकर आया हूं, ये 3 BHK का फ्लैट है 100 स्क्वायर यार्ड में विद लिफ्ट कार पार्किंग के साथ। ये फ्लैट लेकर आया हूं और बहुत ही प्राइम लोकेशन के साथ ये इस बारी मैं फ्लैट लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लैट की एंट्रेंस से। गाइस, एंटर हो चुके हैं हम अपने 3 BHK के फ्लैट के अंदर। तो सबसे पहले डिस्क्राइब कर देता हूं मैं अपना फ्लोर प्लान। तो ये हमारा लिविंग रूम रहेगा एंड ठीक मेरे सामने हमारे 2 बेडरूम रहेंगे और इस साइड में मेरी एक किचन आती है एंड एक मेरे बैक साइड में ये आपका रूम रहेगा और ड्राइंग रूम के ठीक सामने ये आपका कॉमन वॉशरूम आएगा। तो अब सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करता हूँ अपना लिविंग रूम। तो आ जाइए एक बारी, सबसे पहले एक बारी साइज़ पे नज़र डालिए। तो काफ़ी अच्छा स्पेशियस ये आपको इसमें ड्राइंग रूम में साइज़ मिलने वाला है। एकदम ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ ये फ्लैट रहेगा और आपको सिटिंग एरिया के लिए भी एल टाइप का स्पेस मिलता है सोफ़ा स्पेस के लिए। एंड बात करूँ कस्टमाइज वॉलपेपर की, तो आप देख सकते हैं दोनों दीवारों पे हमने कस्टमाइज वर्क यूज़ किया है जो कि काफ़ी अच्छी शेड के साथ इसमें हमने वॉलपेपर लगाए हैं। एंड गाइज, बात करूँ अपनी टाइल्स की, तो आप एक बारी टाइल्स पर नज़र डालिए। क्रीमी फिनिश में 2x2 की हमने इसमें टाइल्स का वर्क यूज़ किया है। एंड बात करूँ स्प्लिट एसी की फिटिंग की, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न दे रखा है, आपका इजीली यहाँ पे एसी इंस्टॉल हो जाएगा स्प्लिट एसी। एंड बात करूँ फॉल सीलिंग की, तो गाइस ऊपर आए एक बार नज़र डालेंगे तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में फॉल सीलिंग का वर्क ऊपर दिया गया है विद कॉप लाइट्स और आपको स्ट्रिप लाइट्स का प्रोविज़न भी ऑलरेडी दे रखा है एंड फैंस दे रखे हैं, झूमर दे रखा है, तो ये सब आपको ब्रांडेड हम लगा के दे रहे हैं। तो बात करते हैं LED पैनल की, तो इस साइड ये आपका एक ह्यूज साइड का LED पैनल मिल जाता है जो कि ब्राउन शेड और वाइट शेड में माइका का वर्क यूज़ किया गया है। एंड नीचे आपको ये कुछ ड्रॉर्स मिल जाती है जो कि काफ़ी स्पेशियस हैं। ये देखिए आप, काफ़ी स्पेशियस आपको ये ड्रॉर्स मिलती है स्टोरेज के लिए, आपकी नोटबुक्स या आप अपनी अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इस साइड में ये आपको कुछ ओपन बॉक्सेस मिल जाते हैं, आप अपने कोई गिफ्ट आइटम्स कोई एंटिक्स आप इसमें रख सकते हो। ऊपर भी एक आपको ये वुडन कैबिनेट स्पेस मिलता है, इसमें भी आप अपना कोई आइटम्स रख सकते हो इजीली। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है LED पैनल में भी। और आपकी अगर मैं बात करूँ LEDs की, तो 50-60 inches की LED आराम से यहाँ आप प्लेस कर सकते हो गाइस। तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको ड्राइंग रूम में मिलने वाला है। इस साइड में आपका L टाइप का सोफ़ा आ जाएगा, बीच में आपकी सेंटर टेबल आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ डाइनिंग एरिया की, तो इस साइड आप अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हो, ये इस साइड आप अपना 6 सीटर डाइनिंग एरिया प्लेस कर सकते हो। तो चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ, आइए दिखा देता हूँ अपना कॉमन वॉशरूम। सबसे पहले एक बार ये आप साइज़ पर नज़र डालिए, काफ़ी अच्छा स्पेसेस आपको इसमें कॉमन वॉशरूम में साइज़ मिलता है। टाइलिंग की अगर बात करूँ गाइस, तो आप देख सकते हो डार्क एंड क्रीमी फिनिश ग्लो आपको टाइल्स का इसमें वर्क दिया गया है, पूरी लेंटर तक टाइल्स इसमें दी गई है। वेंटिलेशन की अगर बात करूँ, तो शाफ्ट से अटैच ये आपको विंडो मिल जाती है जिसमें कि आपका एग्जॉस्ट ईजिली वहाँ पर प्लेस हो जाएगा। पोर्ट एरिया आपको इस साइड में मिल जाता है। डाइवर्टर फिटिंग की अगर बात करूँ, शावर फिटिंग की, तो आपको इस साइड ये मिल जाते हैं, शावर ऑलरेडी दे रखा है। बेसिन की अगर बात करूँ, तो आपको वॉश बेसिन इस साइड में मिल जाता है, एंटर होते ही लेफ्ट साइड में आपका ये वॉश बेसिन रहेगा। मिरर आपका इधर इस साइड आ जाता है, लुकिंग मिरर। एंड गीजर फिटिंग की अगर बात करूँ, तो इस साइड आपको ये गीजर फिटिंग दी गई है, स्विच बोर्ड उसका यहाँ पर दे रखा है, आपका गीजर यहाँ पर ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा गाइस। तो आइए दिखा देता हूँ अपनी किचन, जो कि काफ़ी अच्छी वेंटिलेटेड किचन रहेगी। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये कर्टेंस दे रखे हैं हमने, जो कि कुछ अगर कोई गेस्ट बैठे हैं तो ड्राइंग रूम में किचन के लिए कुछ हाइडनेस थी, तो इसलिए यहाँ पे कर्टेंस का प्रोविज़न दे रखा है। तो यहाँ से हमारी ये किचन स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, एक बारी साइज़ पे आप नज़र डालिए, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको किचन में मिलता है। एल शेप की आपकी ये किचन रहेगी वेंटिलेटेड। उसी के साथ साथ आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले ये आपका फ्रिज एरिया, जो कि इस साइड आपका सिंगल डबल डोर फ्रिज ईजिली यहाँ पर आ जाएगा। एंड टाइल्स की अगर बात करूँ, तो गाइस क्रीमी वाइट फिनिश में टाइल्स का वर्क यूज़ किया गया है 5-5 फीट तक। यहाँ पे आप अगर ग्रेनाइट टॉप पे अगर नज़र मारेंगे, तो वाइट मार्बल यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है यहाँ पे।
नीचे अगर माइका की अगर बात करूँ तो ग्रे फिनिश में माइका इसमें यूज़ की गई है, जो कि वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है इस किचन को। ये आप चैनल देख सकते हैं, किचन ईजिली मूव कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे स्पेस है इसमें, चैनल्स लगाए गए हैं स्टोरेज के लिए, तो काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस। ये आपकी प्लेट्स के लिए चैनल्स दे रखे हैं, एंड ये आपको एक ओपन बॉक्सेस मिल जाता है कि आप अगर अपना सिलेंडर लगाने हैं या गैस, तो अच्छा स्पेस मिल जाता है इसमें आपको। ये भी आपको एक चैनल्स मिल जाता है, इसमें आप अपना जो भी छोटे मोटे बर्तन होते हैं आप इजीली यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पे एक स्पेस आपको मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप एक बार नज़र डालिए। एंड यहाँ पे ये आपको डस्टबिन एरिया मिल जाता है। तो आते हैं ऊपर के एरिया में, उसी के साथ साथ दिखा देता हूँ आपको, ये इस साइड में आपका ये सिंक एरिया रहेगा, एंड ये आपको सारी फिटिंग्स मिल जाती हैं, टैप्स ऑलरेडी दे रखे हैं, ये आपके डायरेक्ट पानी का रहेगा, एंड ये आपका जल बोर्ड का टैप रहेगा, जो कि सुबह शाम यहाँ पे जल बोर्ड का आपका पानी आएगा, एंड आपका जो डायरेक्ट पानी है समरसीवर का वो 24 आवर इस एरिया में आपको मिलेगा। एंड वेंटिलेशन की अगर बात करूँ तो गाइस इस साइड में ये आपको एक विंडो मिल जाती है, देखिए यहाँ से आप इसको इजीली खोल सकते हैं, एंड आपको ये ग्रे कलर के ऊपर भी आपको ये माइका का काम किया गया है, ये आपको सारे कैबिनेट्स मिल जाते हैं, आप अगर बर्तन वॉश करते हो तो इजीली यहाँ पे अपने बर्तन जो कि गीले होते हैं वो आप यहाँ पे पहले स्टोर कर सकते हो, देन उसके बाद अपना कहीं भी स्टोरेज में रख सकते हो। ऊपर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है, ऊपर वुडन बॉक्सेस हैं, एंड इस साइड आप नज़र डालेंगे तो किचन में काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है। एंड बात करूँ अपनी चिमनी की, तो चिमनी भी काफ़ी अच्छी ब्रांड की इसमें यूज़ की गई है, चिमनी एरिया हमारा इस साइड आ जाता है, आपका जो स्टोव होगा वो इस साइड आएगा। फिनिशिंग अगर बात करूँ तो किचन में भी फिनिशिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टाइल्स का वर्क यूज़ किया है, 5-5 फीट तक आपको टाइल्स इसमें दी जाती हैं किचन में, जो कि हमारे जैसे किचन में काम करते हैं कुछ गंदे हाथ लग जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये किचन में टाइल्स का वर्क यूज़ किया गया है। बात करूँ फॉल सीलिंग की, तो किचन में भी गाइज आपको फॉल सीलिंग का वर्क दिया जाता है, ऊपर आप देख सकते हो ब्यूटीफुल लैम्प के साथ किचन डिज़ाइन की गई है, तो काफ़ी अच्छी लुक से ये किचन डिज़ाइन की गई है, एक बार ही आप ज़रूर विजिट करें हमारे इस फ्लैट पे, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ इस फ्लैट को हमने रेडी किया है। तो आइए गाइस चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि इस तरफ हमारा ये फर्स्ट बेडरूम रहेगा, तो यहाँ से स्टार्ट होता हमारा फर्स्ट बेडरूम। सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको ये माइका, जो कि डोर्स पे आपको दोनों साइड में आपको ये माइका मिलती है वुडन और ग्लोसी फिनिश के साथ, एंड हैंडल लॉक की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छे ब्रांडेड इसमें हैंडल लॉक यूज़ किए गए हैं। स्टार्टिंग में ही आपको ये कर्टेंस मिल जाते हैं, ब्राउन फिनिश में कर्टेंस इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं। तो आप नज़र डालते हैं एक बारी रूम के साइज़ की, तो काफ़ी अच्छा स्पेसियस इसमें आपको साइज़ मिलने वाला है, 12x12 का इसमें आपको साइज़ मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस माना जाता है 12x12, आप देख सकते हैं। एक बारी बात करूँ कस्टमाइज वॉलपेपर की, तो बैक साइड में मेन वॉल पे आपका ये कस्टमाइज वॉलपेपर दिया गया है, बहुत ही लाइट फिनिश के साथ ये कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया गया है, जो कि रूम की फिनिश को और ज़्यादा इन्हांस करता है। एंड बात करूँ अलमीरा की, इस साइड में आपको ये अलमीरा दी गई है, जो कि वाइट और ब्राउन फिनिश के साथ शेड के साथ इसमें अलमीरा का वर्क यूज़ किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का स्पेस आपको इस अलमीरा में मिलता है, ऊपर भी दो डोर्स आपको स्टोरेज के लिए मिल जाते हैं, आप इजीली वहाँ पे स्टोर कर सकते हो कुछ भी अपने सामान। नीचे आपको ये एक रैक मिल जाता है, शू रैक, अपना शू जो भी होंगे आप इजीली इसमें रख सकते हो। तो गाइस बात करूँ एलईडी पैनल की, तो उसका भी प्रोविजन ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, प्योर वाइट फिनिश के साथ ग्लोसी फिनिश में माइका का वर्क यूज़ किया गया है, आपकी 32 से 40 इंचेस तक की एलईडी यहाँ पे इजीली प्लेस हो जाएगी। बात करूँ ओपन स्पेस की, तो नीचे कुछ ओपन स्पेस दे रखे हैं, जैसे आप डिश टीवी है या कोई आपका राउटर है तो आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, उसके लिए ओपन बॉक्सेस दे रखे हैं, एंड स्विच बोर्ड ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं। तो अब आते हैं विंडो एरिया की तरफ, तो मैं दिखा देता हूँ आपको विंडो एरिया। तो स्टार्टिंग में ये आपको यहाँ पे विंडो पे भी आपको कर्टेंस का प्रोविजन दे रखा है, ये आपकी यहाँ पे विंडो रहेगी, एंड ये यहाँ पे आपके एग्जॉस्ट पॉइंट रहेंगे, अगर आपको यहाँ एग्जॉस्ट लगाना है तो इजीली यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट लग जाएगा। तो गाइस अगर बात करूँ एसी की, तो एसी के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है, उसके लिए भी यहाँ पे फिटिंग दे रखी है स्प्लिट एसी की, तो आपका इंडोर इजीली यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो आइए दिखाता हूँ अपना अटैच वॉशरूम, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेसियस रहेगा आपका अटैच वॉशरूम, एक बार ही आप साइज पर नज़र डालिए तो काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम में। टाइलिंग की अगर बात करूँ तो पूरे लेंटर तक आपको टाइल्स मिलती है, ग्रे एंड वाइट फिनिश में टाइल्स का वर्क इसमें यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छी टाइल्स का इसमें यूज़ किया गया है। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये दे रखा है वॉश मशीन हैंड वॉश के लिए, एंड उसी के साथ साथ अंदर एंटर होते हैं तो आपको ये डाइवेटर और टैप की फिटिंग्स मिल जाती है, ये आपका रहेगा बाथिंग एरिया, ऊपर आपका ये शावर दे रखा है ऑलरेडी। एंड बात करूँ पोर्ट एरिया की, तो वो सेपरेटली एक अलग एरिया में यहाँ पर फिट कर रखा है हमने पोर्ट,
एक सेपरेट एरिया में आपको एक पोर्ट, अपनी ये पोर्ट मिल जाती है। उसी के साथ साथ ऊपर दिखाना चाहूँगा हमारी वो गीजर फिटिंग, गीजर फिटिंग आपको मिल जाती है। वेंटिलेशन की अगर बात करूँ तो दोनों शाफ्ट से अटैच है। ऊपर आप देख सकते हो शाफ्ट इस बिल्डिंग में दो मिल जाती हैं आपको, एक आपके राइट साइड में, एक आपके लेफ्ट साइड में। आपका एग्जॉस्ट दोनों में किसी में भी आप इजीली लगा सकते हो। तो गाइस एंटर हो चुके हैं हम अपने सेकंड बेडरूम के अंदर। तो अगर सबसे पहले साइज़ की अगर बात करूं तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको साइज़ मिलता है, 11x12 का ही आपका साइज़ रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेशियस साइज रहता है इस 11x12 का। तो गाइस आइए दिखा देता हूं अपना कस्टमाइज वॉलपेपर, जो कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ इसमें कस्टमाइज वॉलपेपर दिया गया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रखा है। एंड बात करूँ अलमीरा स्पेस की, तो इस साइड में ये आपको अलमीरा स्पेस दी गई है, वाइट और ब्राउन शेड में आपको इसमें माइका का काम इसमें किया गया है। हैंडल्स लुक की अगर बात करूँ तो स्टील एंड वाइट फिनिश के साथ इसमें हैंडल दिए गए हैं। अब आप सबसे पहले इसमें आपको साइज़ दिखा देता हूँ, ये आप साइज़ पे एक बार नज़र डालिए। बोथ साइड आपको माइका का वर्क दिया गया है एंड फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ आपको अंदर तक माइका इसमें मिल जाती है। ऊपर भी स्टोरेज के लिए आपको स्पेस दिया गया है, नीचे आपको शू रैक के लिए स्पेस दिया गया है। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ इसमें अलमीरा दी गई है। बात करूँ वेंटिलेशन की, तो इस साइड ये आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो एरिया दिया गया है, बोथ साइड आपको डोर्स मिल जाते हैं। ऊपर आपको ये एसी का प्रोविजन दिया गया है, आपका इजीली यहाँ पे विंडो एसी इंस्टॉल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने बालकनी एरिया की तरफ। तो यहाँ से हमारा ये फर्स्ट बेडरूम, जो हमारे फ्रंट वाले बेडरूम है, उनकी बालकनी स्टार्ट होती है। एक बार ये आप साइज़ पर नज़र डालिए, तो आपको 8x4 की इसमें बालकनी मिलती है। अगर वॉशिंग एरिया की बात करूँ तो इस साइड में आपको ये वॉशिंग एरिया मिल जाता है, मेरे ठीक सामने आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है। टैप्स एंड स्विच बोर्ड का प्रोविजन ऑलरेडी दे रखा है। रेलिंग्स की अगर बात करूँ तो प्योर 304 की आपको इसमें एसएस की रेलिंग मिल जाती है। टाइलिंग की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये ऊपर आपको क्रीमी फिनिश में पूरी टॉप एंड नीचे वॉल तक आपको टाइल्स मिलती है, तो काफ़ी अच्छा काम किया गया है बालकनी में भी। तो अब चलते हैं अपने जो कि हमारा लास्ट बेडरूम रहेगा। सबसे पहले एक बार ये आपको साइज़ पे नज़र डालता हूँ, एक बार ये आप साइज़ पे नज़र डालिए। 11x12 का इसमें आपको साइज़ मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेशियस साइज़ इस बेडरूम में मिलता है। टाइलिंग की अगर बात करूँ तो ग्लोसी फिनिश में टाइल्स वर्क इसमें दिया गया है। बात करूँगा इस कस्टमाइज वॉलपेपर की, तो बहुत ही लाइट फिनिश के साथ एंड ये राउंड सर्कल में ट्री फिनिश में आपको इसमें कस्टमाइज का वर्क दिया गया है। उसी के साथ साथ अगर दिखाऊं मैं अपनी अलमीरा स्पेस, तो इस साइड में आपको अलमीरा स्पेस दी गई है, जो कि सेम हमारा वाइट एंड ब्राउन शेड में इसमें माइका का वर्क यूज़ किया गया है। हैंडल्स आपको एकदम स्लीक से डिज़ाइन के साथ हैंडल्स मिलते हैं एंड आप अलमीरा का स्पेस देगी गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल अलमीरा का स्पेस मिलता है आपको। स्पेसियस साइज के साथ आपको अलमीरा दी गई है इस फ्लैट के अंदर। ऊपर भी आपको स्टोरेज के लिए दो आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं गाइस। बात करूँ मैं अपनी फॉल सीलिंग की, तो ऊपर आप देख सकते हैं ब्राउन एंड वाइट फिनिश के साथ ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क किया गया है। लाइट्स आपको दे रखी है, जो कि फ्लैट में ब्राइटनेस को और ज़्यादा इन्हेंस करता है गाइस। तो आइए दिखा देता हूँ आपको वेंटिलेशन एरिया, जो कि इस साइड ही आपका वेंटिलेशन एरिया रहेगा। यहाँ पे आपको ये विंडोज़ मिल जाती हैं, आपको इस विंडो में दो डोर्स मिलते हैं, जो कि आप इजीली अंदर और बाहर दोनों खोल सकते हैं। एसी अगर बात करूँ गाइस, तो आपका विंडो एसी यहाँ पे इजीली प्लेस हो जाएगा, आप 1.5 टन 2 टन जितने का भी आपको लगाना है ईजिली यहाँ पे लग जाएगा गाइस। तो अब बात करूँ अपनी अटैच बालकनी की, तो इस साइड ही हमारी अटैच बालकनी स्टार्ट होती है, जो कि सेकंड बेडरूम से हमारी रहेगी। तो आइए, तो गाइस आ चुके हैं अपनी बालकनी में, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको। 8x4 की ये बालकनी एरिया रहेगा। रेलिंग्स आपको सेम मिल जाती है, जो कि स्टेनलेस स्टील की आपको रेलिंग दी गई है, काफ़ी स्पेसियस। अगर आप क्लोथ्स हैंगिंग की अगर बात करूँ तो उसके लिए भी आपको ये रोड्स दी गई है, आपके क्लोथ्स आप इजीली यहाँ पे हैंग कर सकते हो। टाइलिंग की अगर बात करूँ तो आपको बालकनी एरिया में भी लेंटर तक पूरी टाइलिंग का वर्क दिया गया है, जो कि वाइट फिनिश के साथ टाइलिंग वर्क इसमें दी गई है आपकी बालकनी एरिया में। तो गाइस फ्लैट का आपने टूर किया, अब बात करूँ फैसिलिटीज़ की, तो लिफ्ट एंड कार पार्किंग, गैस पाइपलाइन, आपको जल बोर्ड कनेक्शन, BSS मीटर, आपको इसमें सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। एंड बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी से आपका फ्लैट मिलने वाला है। F ब्लॉक रामा पार्क की कनेक्टिविटी में आपको ये बिल्डिंग दी जाती है। बात करूँ लोन की, तो लोनेबल प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और पक्की रजिस्ट्री के साथ आपको ये फ्लैट मिलता है गाइस। एनी क्वेरीज के लिए आप स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। साइट विजिट के लिए आप 7 डेज आ सकते हैं, हमारा ऑफिस 7 डेज ओपन है। नियर बाय द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, मजेस्टिक होम, A53 रामा पार्क हमारे ऑफिस का एड्रेस है। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।